अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू फिज़ा शेख। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये कि मेरी सिस्टर की शादी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो आज की वीडियो है सेकाकी एग शैम्पू का रिव्यू। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर रेड बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दीजिए मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेकाकी एग शैम्पू विद लैनोलिन शैम्पू के अलावा बहुत सी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसा कि ब्यूटी सोप्स, ब्यूटी क्रीम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स, और इसके अलावा वैक्स वगैरह में भी। और इसके यूज़ से, इसको शैम्पू में यूज़ किया गया है जिससे हमारे बाल स्मूथ एंड ब्यूटीफुल और इसके अलावा सिल्की हो जाते हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि इसमें एग भी शामिल किया गया है। एग हमारे हेयर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा इसको यूज़ करने से बाल हेल्थी और ब्यूटीफुल तो होते ही हैं और लाइफलेस होते हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि ये एक हर्ब एग शैम्पू है। और इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, यानी 120-120 रुपये में आपको मिलता है और काफ़ी आम सी पैकिंग में है। और ये एक पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी कितनी है कहीं भी नहीं लिखा इन्होंने, काफ़ी मैंने देखा है कहीं नहीं मुझे मिला। और अगर इस शैम्पू की बात की जाए तो काफ़ी पुराना शैम्पू है, इसे मेरी खाला यूज़ करती हैं, तकरीबन बीस साल हो गए उन्हें यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छे उनके हेयर्स हैं, ब्लैक, शाइनी और काफ़ी लंबे भी, और यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सूट करने की भी बात होती है, मेरी कज़न ने इसे यूज़ किया तो उसे सूट बिल्कुल भी सूट नहीं किया। उसका कहना था कि इसको यूज़ करने से उसे जुएँ आ गई हैं सर में। खैर, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। तो अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ख़रीदें या नई चीज़ यूज़ करें तो कम क्वांटिटी में ख़रीदें अगर आपको सूट करे तो, मज़ीद बड़ी पैकिंग में लें, वरना पहले छोटी पैकिंग में लेकर यूज़ करके देखें उसके बाद ही बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदें। और यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, 120 रुपीज़ में आपको मिलता है। और इसकी टेक्सचर की बात करें तो बिल्कुल लाइट सी खुशबू है इसकी और येलो से कलर का है। बाकी शैम्पूस की तरह जैसे थिक होते हैं दूसरे शैम्पूस, इसी तरह ही हैं। और खुशबू बहुत लाइट सी है, बिल्कुल पास जाकर सूंघने पर हल्की सी खुशबू आती है, ज़्यादा खुशबू नहीं है। और अगर हेयर ऑयल्स वगैरह या शैम्पू में कम खुशबू होना ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें खुशबू ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा केमिकल, और जो ज़्यादा केमिकल से जल्द बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर सूट करे तो यूज़ करें वरना छोड़ दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में।